क्वेडल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम 5 मजेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे और आज वीडियो में गिव अवे भी है, तो पार्ट लेने के लिए पहले डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मिनीजो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप 3 पत्ती, पोकर, स्नेक और भी गेम्स खेल के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ टास्क पूरे करने पर आपको गोल्डन एग्स मिलते हैं जो कि पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन पैसों को आप अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपको एक ही कमेंट में सारे रिडल्स का आंसर देना है जो आपको वीडियो में हमेशा की तरह मिलेगा ही, और साथ ही मिनी जॉय आईडी भी लिख दीजिए। 5 लोगों को 200 रुपीज मिनी जॉय में मिलेगा जिनके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, और रैंडम 5 और लोगों को भी 50 रुपीज मिनी जॉय में मिलेंगे। इन विनर्स के नाम 4 दिन बाद आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज में मिल जाएंगे, तो वहाँ फॉलो कर लीजिए। तो रेडी हो जाइए, अभी पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक पागल औरत 3 लड़कियां प्रिया, अभिलाषा और मीना को किडनैप कर लेती है और उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देती है। फिर वो पुलिस को फोन लगाती है और कहती है, मैंने 3 लड़कियां प्रिया, अभिलाषा और मीना को किडनैप कर लिया है और वो यहाँ कैद है। पुलिस उससे उन तीनों को छोड़ने के लिए कहती है। इस पे वो कहती है, मैं इन्हें तभी छोड़ूंगी जब तुम मेरे इस पहेली का सही जवाब दे दोगे। पुलिस कहता है, ठीक है अपनी पहेली पूछो। तो वो कहती है, प्रिया को अंधेरे से बहुत डर लगता है, अभिलाषा को इंसेक्ट से बहुत डर लगता है और मीना को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन तीनों में से कोई एक बात मैंने तुम्हें गलत बताई है, अब तुम्हें बताना है कि इन तीनों में से मैंने तुम्हें क्या गलत बताया है। तुम्हारे पास 1 दिन है मुझे बताने के लिए। पुलिस फोन रखता है और पहले प्रिया के घर जाता है। वो प्रिया के घर को अच्छे से देखता है और फिर अभिलाषा के घर चला जाता है और उसके घर को भी अच्छे से देखता है। फिर वहां से जाके वो मीना के घर चला जाता है और उसके घर को भी अच्छे से देखता है। तीनों के घर को देखने के बाद पुलिस को समझ आ जाता है कि उस औरत ने तीनों में से किसके बारे में झूठ बोला था। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि आखिर उस औरत ने किसके बारे में झूठ बोला था? चाहे तो वीडियो को दोबारा से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। उसने कहा था कि प्रिया को अंधेरे से डर लगता है और जब पुलिस उसके घर गई तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं और वहाँ पे इन्वर्टर भी है, तो वो बात सच थी। मीना को गंदगी पसंद नहीं है इसलिए उसका घर भी बिल्कुल साफ था और वहाँ 2-2 डस्टबिन लगे हुए थे, तो यानी वो बात भी सच थी। और अभिलाषा के घर में एक बड़ी बटरफ्लाई की पिक्चर लगी हुई थी, पर उस औरत ने कहा था कि अभिलाषा को इंसेक्ट से डर लगता है, तो यानी कि उसने अभिलाषा के बारे में झूठ बताया था, जो पुलिस को समझ आ गया। उन तीनों लड़कियों की छूट जाने की खुशी में अभी के अभी वीडियो को 1 लाइक ठोक दीजिए। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अभी आप इमोजी से बॉलीवुड गाने का नाम बताइए, जैसे ये होगा पार्टी ऑल नाइट। तो बताइए इस गाने का नाम क्या है? अपना आंसर जल्दी से नीचे कमेंट करें। क्या आपने बता दिया था? ये है ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है। कैसे? चलिए अभी इस इमोजी से गाने का नाम बताइए और आंसर कमेंट करें।
ये होगा गुलाबी आंखें। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी। क्या आपने इसका भी आंसर बताया? तो अभी इस गाने का नाम बताइए और आंसर कमेंट करें। ये होगा टिप टिप बरसा पानी। टिप टिप बरसा पानी। क्या आपने तीनों इमोजी पहेली के आंसर दे दिए थे? तो चलिए अभी अगली पहेली सॉल्व करते हैं। टीना का बर्थडे था तो उसके पापा मेहुल एक बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं। वो सभी बच्चों को और अपने फ्रेंड विमल को भी पार्टी में बुलाते हैं। विमल मेहुल से कहता है, आपकी बेटी का जन्मदिन मुबारक हो मेहुल जी। तो मेहुल कहते हैं, थैंक यू, और बताइए डेकोरेशन कैसा लगा आपको? तो विमल कहता है, डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है, पर ये तो बताइए कि आपकी बेटी आज कितने साल की हो गई है? तो मेहुल कहता है, अरे ये तो आप देख के भी बता सकते हैं कि वो आज कितने साल की हो गई है। विमल को पहले समझ नहीं आता कि मेहुल क्या कहना चाह रहा है, पर फिर वो समझ जाता है कि टीना आज कितने साल की हुई है। दोस्तों, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि टीना आज आखिर कितने साल की हो गई है? एक बार अच्छे से देखिए, सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट करिए। टीना के पापा मेहुल ने आज डेकोरेशन टीना के एज के हिसाब से ही किया है। वहाँ पर टोटल 7 बलून्स लगे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी वहाँ पे 7 हैं, ग्लासेस भी वहाँ पे 7 रखी हुई हैं, और तो और यहाँ पे टोटल लोग भी 7 हैं, और टोटल 7 गिफ्ट्स रखी हुई हैं। तो यानी आज टीना 7 ईयर्स की हुई है, जो कि विमल को समझ आ गया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीन अक्षर का मेरा नाम, पहला कटे तो राम राम, दूजा कटे तो फल का नाम, और तीजा कटे तो काटने का काम। तो बताओ क्या है मेरा नाम? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आराम। आ कटेगा तो राम बनेगा, रा कटेगा तो आम बनेगा जो कि एक फल है, और अगर म कटेगा तो बनेगा आरा जो कि काटने के काम आता है। क्या आपने इसका आंसर बता दिया था? तो अभी इस पहेली का आंसर बताइए। वो भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है, लड़की नहीं है लेकिन बैग रखता है, पुजारी नहीं है लेकिन घंटा बजाता है। क्या आप बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है बस कंडक्टर। कंडक्टर पैसेंजर से पैसे मांगता है, पैसे डालने के लिए वो बैग रखता है, और कुछ बस में घंटी लगी होती है जिसे बजा के वो बस को रुकाता है। क्या आपने इसका भी आंसर बता दिया? तो अभी इस पहेली का आंसर बताइए। 6 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, आधा मैं फूलों में रहता और आधा मैं फलों में रहता। क्या आप बता सकते हैं क्या है वो? आंसर कमेंट करें। वो है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खाने की चीज है, गुलाब फूल होता है और जामुन एक फल का नाम है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी मजे से बाथरूम में नहा रहा था, तभी अचानक 3 लड़कियां वहां आ गई और देखकर चौंक गई कि वहां एक लड़का नहा रहा है। दोनों ही कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये जेंट्स बाथरूम है या फिर लेडीज बाथरूम। दोस्तों,
क्या आप अच्छे से देख के बता सकते हैं कि आखिर ये जेंट्स बाथरूम है या फिर लेडीज बाथरूम? अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट करिए। ये जेंट्स बाथरूम है क्योंकि अगर आप उस बेसिन को अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ आदमियों के यूज करने का ट्रिमर और भी बाकी सामान रखा है। तो यानी ये जेंट्स बाथरूम है और लड़कियाँ वहाँ बात करते करते गलत बाथरूम में आ गई। इसमें आपका क्या कहना है जरूर से कमेंट में बताएं और गिव अवे में अभी पार्ट ले और मिनी जॉय को डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करें। हमारी इन बाकी मजेदार पहेलियां को अभी के अभी यहाँ पे क्लिक करके देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।